मी डेली व्लॉग्स माइट बी पॉसिबल बिकॉज आई हैव डिसाइडेड एंड आई थिंक आई कैन डू दैट बिकॉज रमज़ान की रूटीन ऐसी होती है कि डेली व्लॉग हो सकता है बट फॉर दैट यू हैव टू बियर दिस फेस एंड दिस हालत एंड इससे भी बुरी हो सकती है बिकॉज अभी तो बाल खुले हैं मेरे बिकॉज गीले थे तो मैंने खुले रख लिए बट यू गोना सी मी द वर्स्ट एंड या रमज़ान मुबारक चांद मुबारक या रमज़ान मुबारक जो भी कहते हैं आई डोंट डू दिस अलॉट मतलब मैं नहीं करती होती इतना ज़्यादा विश कुछ भी किसी को बट आई एम डूइंग दैट सो चांद मुबारक एंड रमज़ान मुबारक दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट ट्राई बिकॉज मैंने पहले इतने ब्लॉग्स नहीं किए हुए हैं बट अभी ये मेरा जो ट्राई मैं देने लगी हूँ इसको लाइक डेली ब्लॉग वाली आई डोंट नो कैसी जाएगी बिकॉज मुझे नहीं पता मेरी रूटीन होगी क्या या क्या कर सकती हूँ मैं क्या नहीं बट आई विल सी अगर किसी दिन कुछ ना भी हुआ तो कुछ और पोस्ट कर दूँ लाइक कोई और वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करूँ ब्लॉग्स में क्या करते हैं ओके तो हमने गोलगप्पे ऑर्डर किए थे तो मैं भी वो खाने जा रही हूँ मैं इसको भी कैमरा को भी ले जाती हूँ साथ में नॉट कैमरा बल्कि मैं फ़ोन बिकॉज मैं कैमरा पूरा दिन नहीं संभाल सकती हूँ फ़ोन इज़ द ईजिएस्ट वे टू ब्लॉग तो अभी मैं जा रही हूँ गोलगप्पे खाने एंड आई विल टेक यू गाइज विद मी नहीं कैमरा में देख के बोलना होता है सो आई विल टेक यू गाइज विद मी लेट्स गो तो अंजी ने नगेट्स बनाए थे मैं वो खाने लगी हूँ पहले गोलगप्पे से पहले हम लोग गोलगप्पे के अंदर गेट हाल के भी खाएंगे किसी किसी में स्पाइसी लगता है ऐसे किंजा ये वाला रमजान तुम्हारा हमारे घर लास्ट रमजान है ओके ऐसे ही तो आप क्या करेंगे खिदमत में आप मेरे घर आएंगे हाँ मेरा आपके घर में आखिरी रमजान है तो आपको मेरी खिदमत करनी चाहिए जी नहीं आपको करनी चाहिए कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर लूँ लास्ट रमजान है यू नो दिस अम्मा फिर मैं मर जाऊंगी पिछली बार खाती तो मर जाती फिर वो तो अम्मा क्या हाल हुआ था मेरा देखा इससे और स्पाइसी लगेंगे दिखवा लो दिस इज बिग लीची अच्छा लग रहा है ना यू कैन ट्राई इट जिनको खट्टा पसंद है वो क्यों दे दियो इतने थोड़े से दाने डाले मैं अंदर पानी चाहिए इसे तो बहुत मीठे लग रही है बुरा पानी लास्ट मोमेंट लास्ट वर्ड ना बस आज बहुत स्पाइसी थे पिछली बार खाते ना आप क्या मर जाते सच में पानी भर देती हूँ तेरे खावे रियली नीड दिस आइसक्रीम खा लो ये क्यों खा रही हो ये सब खत्म करके जाएगी हमारे घर का इस रमजान हैं शुगर भी मैं एक्चुअली अपनी रिंग लाइट ट्राइपॉड और ये सारा कुछ उठा उठा के घूम रही हूँ बैक टू माय रूम उफ ये जलती रहती है मेरे रूम में हर वक्त
अच्छा तो 9 बज गए हैं, और 9 बज गए हैं इसका मतलब है कि ईशा का टाइम तो हो चुका है, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा लेट करूँगी तो मुझे सुस्ती होने लगेगी, एंड टुडे इज़ द फर्स्ट तरावी, तो आई एम गोना गो प्रे ईशा एंड देन तरावी, एंड आप सभी जाएँ और नमाज़ पढ़ें। मतलब अभी पता नहीं कौन से टाइम पर वीडियो आएगी, बट जब भी आएगी एंड फर्स्ट रोज़ा होगा, लाइक आई एम गोना पोस्ट इट टुमारो आई थिंक। तो खैर, मेक श्योर टू प्रे एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज रमज़ान में सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने, और आप भी कोशिश करें कि गुनाहों से बचें और अच्छे अच्छे काम करें। ओके, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स, क्योंकि मुझे भूख लग गई है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन रोज़े की हालत, तो यू आर गोना कर्श मी, आई नो दैट, बट आई एम सॉरी। मुझे लटकते लटकते खाना बिल्कुल नहीं पसंद। A lot of people pour noodles first, but मैं पहले मसाला डालती हूँ ताकि वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए, एंड देन नूडल्स नूडल्स में इक्वली जाए। And since this is spicy, मुझे स्पाइसी लगता है तो मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी। Now it's Seri time, और अभी मेरी आवाज़ से भी शायद पता लग रहा होगा कि आई एम सो स्लीपी राइट नाउ। वैसे तो मुझे कहना कि 3-4 बजे तक जागना है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही खुद ही 3-4 बजे तक आराम से जाग लेती हूँ, बट टुडे स्पेशली रमज़ान में ही होता है, मतलब हर रोज़े में इनफैक्ट, कि फिर सहरी तक जागना हो तो आपसे जागा नहीं जाता, अभी वैसे बोला नहीं जा रहा। ओके, तो खैर ऑलमोस्ट सहरी का टाइम हो गया है, तो आई एम गोना गो ऑफ फॉर तहज्जुद, और उसके बाद फिर देखते हैं सहरी का क्या सीन। मैंने कहा मर्जी है आपकी, स्मार्ट न्यूज ऐसी करती है हमेशा रोज़। और मम्मा ठीक है? जो लग शुरू किया उसी को आगे पूरा कर लो। दही बड़ों वाली चटनी बनी पड़ी है, समोसे फ्राई करना थी और रोल फ्राई करना है। सहरी हो गई है, अब नमाज का वेट कर रही हूँ, बस 5 मिनट रह गए हैं, तो खैर वजू वगैरह करके सब कुछ करके मैं बैठी हूँ। इस टाइम से दोबारा पढ़ने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती है, एंड वैसे भी मेरी आदत है जोहर के बाद पढ़ने की, तो आई जस्ट कंटिन्यू दैट रूटीन इन रमज़ान। तो बस नमाज पढ़ने में रह गई है, उसके बाद आई डोंट थिंक मैं वापस आऊँगी, तो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, बिकॉज अब ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा, एंड नेक्स्ट ब्लॉग उठने के बाद से स्टार्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।